बंदाश खोके जल्दी जल्दी ओके कर डाले इन लोगों ने। बेरोजगारी निपटाने के लिए जो शिक्षित युवा है वो पकोड़े तले विकास, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ का विकास किया, साथ सबका लिया, लेकिन विकास कुछ अपने मित्रों का किया। जागृत महाराष्ट्रामध्ये आपल्या सर्वांचं स्वागत आहे। आज आपण जागृत महाराष्ट्राच्या माध्यमातून आज आपण जोगेश्वरी या ठिकाणी आलेलो आहोत की हात जोडो आंदोलनाला सुरुवात झालेली आहे। त्यातलाच भाग म्हणून मुंबईमध्येच नाही तर देशभर अशा पद्धतीची आता पदयात्रा चालू आहे। भाजपने गेल्या 8-10 वर्षांमध्ये कशा पद्धतीचं राजकारण केलेलं आहे, त्यामध्ये बेरोजगाराचे प्रश्न असतील, शिक्षणाचा प्रश्न असेल, असे अनेक महागाईचा प्रश्न आहे, असे अनेक प्रश्न आहेत की त्यामुळे जो गोरगरीब जनता आहे ती नाराज झालेली आहे। हा सुद्धा संदेश काँग्रेसच्या माध्यमात देण्यात येणार आहे। तर या ठिकाणी आता आपल्यासमोर काही काँग्रेसचे पदाधिकारी आहेत, त्यासंगती आपण चर्चा करणार आहोत की ही जी पदयात्रा आहे ऑलरेडी 1,350 किलोमीटरचा प्रवास राहुल गांधी यांच्या माध्यमातून पूर्ण झालेला आहे, त्यानंतरही हात जोडो ही आता यात्राला सुरुवात होती आहे आणि कशा पद्धतीचा प्रतिसाद सध्या यांना मिळत आहे। मॅडम, आपको अभी जो प्रतिसाद अभी स्टार्ट हो गया है, आपको कैसा प्रतिसाद मिल रहा है और कांग्रेस के माध्यम से ये हात जोडो जो यात्रा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? ये जे हाथ से हाथ जोड़ो जो अभियान है, ये भारत जोड़ो यात्रा जो हमने की थी, राहुल गांधी जी 3,600 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, उसको आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि वो जो थी कुछ राज्यों तक सीमित थी, इसको हम लोग कैसे प्रत्येक गांव, ब्लॉक, पंचायत तक ले जाएं, उसको आगे बढ़ाते हुए ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ। ये हाथ से हाथ जोड़ो अभियान 2.5 लाख पंचायत, कम से कम 6 लाख गांव और 10 लाख पोलिंग स्टेशंस तक कैसे इस अभियान को ले जाए वो रखते हुए दिमाग में ये भारत जोड़ो यात्रा के बाद में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान शुरू हुआ। इसका जो मेन एजेंडा है, जो भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो, भारत जोड़ो यात्रा एक कांग्रेस का सिंबल के नीचे नहीं लड़ी रखी गई थी, ये जो अभियान है ये हमारा कांग्रेस पार्टी का अभियान है, जिसको हम लोग यहाँ पे एक चार्जशीट जाहिर की गई है जहाँ पे बताया गया है कि भाजपा ने, जो यहाँ आप देखेंगे, भ्रष्ट जुमला पार्टी, कैसे भारतीय जनता पार्टी जो खुद को बोलती है कि हम लोग, उन्होंने आए थे 2014 में नारा लेके कि सबका साथ सबका विकास, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने कुछ का विकास किया, साथ सबका लिया, लेकिन विकास कुछ अपने मित्रों का किया, और किस तरह से महंगाई बढ़ती गई, बेरोजगारी बढ़ती गई, जो आम जनता है उन्हें किससे, दो चार चीज़ें हैं, जैसे सिलेंडर हो गया, बाकी दाम जो बढ़ते जा रहे हैं उनको, आम जनता को उससे कोई मतलब नहीं है। हाथ जोड़ो या योजनेमध्ये असा सुद्धा उल्लेख केलेला आहे की आज महागाईचा जो महत्त्वाचा मुद्दा आहे त्याच्यामध्ये हे सुद्धा दिसतोय की आता गॅसचा जो रेट आहे, सिलेंडरचे रेट काँग्रेसच्या काळामध्ये 450 रेट होता, त्याच्यामध्ये सबसिडीसुद्धा दिली जायची, सबसिडी बंद झालेली आहे आणि आत्ताचा जो रेट आहे 1,103 रुपयापेक्षा जास्त झालेला आहे, याविषयी काय सांगाल? देखिए, इस सरकार ने ये जो मुद्दे पे आई थी कि बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार मोदी सरकार, ये इनका जुमला था, और ये भ्रष्ट जुमला पार्टी, जिसको हम भ्रष्ट जुमला पार्टी कहते हैं, उसने जनता को रास्ता भटकाने का और बेवकूफ़ बनाने का काम किया है, और सिलेंडर के दाम जो महिलाओं को सबसे ज़्यादा त्रस्त करते हैं वो दाम है सिलेंडर का दाम। जब सिलेंडर का दाम बढ़ रहा है, पेट्रोल डीजल तो आसमान छू रहा है, आप लोगों ने देखा ही है, जो सिलेंडर का दाम गृहिणी को सबसे ज़्यादा त्रस्त करता है वो भी 50 रुपये बढ़ा दिया है, और कमर्शियल सिलेंडर पर भी 350 रुपये बढ़ा दिया है। इस दाम से घर का खर्च बिल्कुल बेहाल हो गया है, ऊपर से महंगाई हर चीज़ में इतनी ज़्यादा बढ़ रही है हमारे यहाँ पर, उसका फ़ायदा किसान को नहीं मिल रहा है। देश का किसान आज, आपने देखा कांदा हमारे यहाँ किस तरीके से
पाँच पैसे में किसान बेचने पर मजबूर हो गया है। तो किसान की व्यथा को छोड़कर आम युवाओं की व्यथा, जो हमारी बेरोजगारी की समस्या है, पूरे देश भर में बेरोजगारी 45 सालों में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी आज हिंदुस्तान में है, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? मोदी सरकार जिम्मेदार है। इन्होंने तो फौज को भी, देश की फौज को भी कॉन्ट्रैक्ट पे लाने का काम कर दिया है। कल ऐसा लगेगा कि पुलिस को भी कॉन्ट्रैक्ट पे ले आएंगे। इन्होंने जो अग्निपथ सेवा लाई है उसके अंतर्गत देश के युवाओं का भविष्य क्या बचा है? इसके अलावा सबसे बड़ी बात जो इस देश को नुकसान कर रही है वो ये नफ़रत की आवाज़। राहुल जी ने कहा है इस नफ़रत के बाज़ार में वो मोहब्बत की दुकान खोलने चले हैं। हम सबसे बड़ा जो यहाँ पर संदेश देने आए हैं जनता को वो यही है कि लड़ने से या आपस में नफ़रत करने से सब यहाँ पर भाई भाई हैं, सब बहनें हैं, और यहाँ जो ये नफ़रत का बीज इन्होंने बोया है, ये दिलों में नफ़रतों से देश का कभी भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता, युवाओं का, बच्चों का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। इस नफ़रत को मिटाने के लिए राहुल जी ने जो कहा है और जिसके लिए वो 4000 किलोमीटर चले हैं, वो संदेश हम घर घर तक पहुँचाने आए हैं। आज अपन ये सुधा पहतो है कि मुंबई सारख्या सिटी मध्ये मुल डिग्री घेऊन फिरता है आणि डिग्री घेऊन फिरत असताना साफसफाईचे सुद्धा काम करतात, हे कितपत योग्य आहे याविषयी काय सांगा? बेरोजगारी निपटाने के लिए जो शिक्षित युवा है वो पकोड़े तले, ये मोदी जी का संदेश है। देश में शिक्षित युवाओं को जो नौकरी चाहिए वो है ही नहीं, तो उनका भविष्य कैसे उज्ज्वल होगा? ये सबसे बड़ी समस्या है। देश के युवाओं में जो आक्रोश बढ़ता जा रहा है वही नफरत को जन्म दे रहा है। ऊपर से नफरत जो दिशा भूल करने का काम इन्होंने युवाओं का किया है, दिशा उनके दिल में, एक तो रोजगार नहीं, ऊपर से उनके दिल में नफरत भर दी है। इसीलिए इस देश का जो हाल इसने किया है उसको हम जनता को, कांग्रेस का भी जो हाथ जोड़ो का जो मुहिम चल रहा है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और आप आपके वार्ड में कैसे इसकी शुरुआत किया है और लोगों का जो रिस्पॉन्स है आपको कैसे मिल रहा है, क्या कहेंगे? सर, ये जो हम लोग ने ये हाथ से हाथ जोड़ो का जो प्रोग्राम है, यह जो बीजेपी सरकार है, ये बीजेपी जुमला पार्टी सरकार जो है ये बहुत झूठी सरकार है। ये 2014 में जब बीजेपी आई है, जो उन्होंने जो वादा किया था सब झूठे वादा किया है। ये जो पेट्रोल पे और अपना ये एजुकेशन के पर जो उन्होंने जो किया है, उन्होंने अभी आज तक कुछ वो कुछ भी किया नहीं है उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। और ये हम घर घर सब जाके इनको सबको बता रहे हैं लोगों को कि ये ऐसी सा है, ये एजुकेशन जो दो कांग्रेस के राज में सिलेंडर 400 रुपया था, आज जो 1200 रुपया है, पेट्रोल 86 रुपया था, आज 113 रुपया है, क्या ये सब हम सब लोगों को घर घर जागरूक जाके कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं। आपकी बार वापस जो आपसे जो गलती हो गई है वो दोबारा गलती ना करें, ये बार कांग्रेस सरकार वापस लाइए। छत्तीसगढ़ में और राजस्थान में देखिए 500 रुपया सिलेंडर वापस हो चुका है, इसलिए जो भी आपसे गलती हुई है ये गलती दोबारा ना करें। 2024 इसका इलेक्शन आ रहा है, अभी ये बार हुआ, नेक्स्ट टाइम नहीं होना चाहिए, आप ध्यान दीजिए। जब आप गली गली जाते हैं घर टू घर जाने के बाद कैसी प्रतिक्रिया आ रही है, लोग क्या बोल रहे हैं कि नहीं सच्ची में हमने कुछ गलत काम किया है? इसके पहले का जो रेट था गैस का, आज का जो बदलाव वो देख रहे हैं, उसके बाद में नोटबंदी के बाद में भी जो कॉमन लोगों की, काफ़ी लोगों की क्या परिस्थिति आ रही है, क्या बोलेंगे, अनुभव क्या आ रहा है आपको? लोग तो बहुत परेशान हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहे हैं। लेकिन जो सिलेंडर तो 400 रुपया जो था इनको उस टाइम भी वो चीज़ महंगी लगती थी, आज वो इसका 4 गुना 3 गुना बढ़ गया है तो अभी इनको और लग रही है। लेकिन बोल रहे हैं एक बार हमसे गलती हो चुकी है, ये गलती नेक्स्ट टाइम नहीं करेंगे हम, अब ये बार जो है हम कांग्रेस को ही वोट देंगे, जो कांग्रेस थी जो सब वो लेके चलती थी। आज का जो राजनीतिक जो दौर चल रहा है, एक दूसरे को गाली गलौज देना, उसके अलावा हम लोग देख रहे हैं, आप सभी लोग देख रहे हैं कि जनता का जो काम है कहीं पे भी नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर ही 2014 में मोदी जी आए थे, अब की बार मोदी सरकार, जब मोदी सरकार आने के बाद पता चला भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है। आज देश क्या दुनिया जानती है कि अगर भ्रष्टाचार एकदम उजगार हुआ है, आया भी है और करते भी हैं और उसके बाद भी वो करेंगे, ऐसा बोल के अगर कोई करता है तो वो है भ्रष्टाचार के राजा आदरणीय मोदी जी, एक तो वो है। दूसरा बेरोजगारी, तीसरा महंगाई, चौथा सुरक्षा, पांचवा
ऐसे जितने मुद्दे हैं, महंगाई से लेकर जितने मुद्दे जो है, तो अगर देखने मिले हमको तो पिछले हमारे 50 साल हो गए कांग्रेस के अंदर, लेकिन हमने जवाहरलाल नेहरू से लेकर आज तक सभी प्रधानमंत्री को देखा है, ऐसा प्रधानमंत्री नाकारा जो देश को ले डूबे, जनता को भी ले डूबे, ऐसे अगर कोई नेता है आज देश के अंदर तो आदरणीय, मतलब आदर से के साथ कहूँगा, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री हमारा देश सबसे सर्वश्रेष्ठ है, हमारे देश का हम आदरणीय देते, उसी तरह से इस भ्रष्टाचार को गाली के लायक भी नहीं, अगर कोई देता है उसको तो गाली मत दे, क्योंकि गाली का अपमान होता है और भ्रष्टाचार का अपमान होता है। खुल के देखो, जहाँ पे आज एक ही नहीं, बाबा साहब आम्बेडकर का जो संविधान है उस संविधान को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं, जो हमारी चुनी हुई सरकार को भ्रष्टाचार के पैसे से खरीद रहा है। 10 सरकारें जो ऐसी है महाराष्ट्र में, ये बता, अगाड़ी सरकार क्या खराब काम कर रही थी, बहुत अच्छी सरकार काम कर रही थी, लेकिन पंडास खोके जल्दी जल्दी ओके कर डाले इन लोगों ने। जागृत महाराष्ट्र ला सब्सक्राइब करा आणि बेल आयकॉन ला प्रेस करा।